दिखाई दे रहे हैं, बहुत देखा जा रहा है कि पिछले बार भी आप चुनाव मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका है आपकी? भाई साहब, मैं फेफना विधानसभा में प्रबल दावेदारी के साथ से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, और पार्टी का जैसा भी मार्गदर्शन उस हिसाब से काम करूँगा। मैं 2022 मिशन में लग गया हूँ कि मेरी सरकार बनेगी इस बार की। तो पिछले बार चुनाव में क्यों आप नहीं थे? नहीं, पिछले बार चुनाव में मेरा नाम गया हुआ था, और मान लीजिए हमें टिकट नहीं मिला, पार्टी संगठन ने जिसको टिकट दिया तो उसके साथ मैं दड़बड़ के काम किया, उसी को जिताया। इस बार भी मैं प्रबल दावेदारी के साथ अपना पार्टी का काम कर रहा हूँ। जनता कह रही कि आप क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं क्षेत्र में लगातार हूँ, आप जाइए देखिए, सर्वे करिए क्षेत्र में, लगातार मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी। तो क्या समस्याओं को लेकर कभी आपने योगी जी से या मोदी जी से बलिया खासतौर पर फेफना विधानसभा की बात रखी? माननीय महाराज जी से, जो आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी हैं, उनसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया, जाके मिलकर समाधान को बताया, क्षेत्रीय अध्यक्ष से, संगठन के सभी लोगों से बताया, प्रदेश अध्यक्ष से बताया है मैंने, और क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास पर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है जी। तो अभी तस्वीर कैसी है फेफना विधानसभा? फेफना विधानसभा की तस्वीर ये है कि जनता जो है इस बार भी सरकार हम लोगों की बनाएगी, और जनता चाहती है कुछ परिवर्तन हो। एक सवाल और है नेताजी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो रही है जो आपके ही विधानसभा से गुजरने वाली है, उस पर कहाँ तक काम हो रहा है? देखिए, 15 अगस्त तक जो है, 15 अगस्त से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा, लखनऊ से जो हैदराबाद है वहाँ पे आके उतरेगा और चालू हो जाएगा, और बाकी वहाँ से लिंक एक्सप्रेसवे बलिया तक आने वाला, उसका से आएगा कुछ है जानकारी इसके बारे में? उसका अभी सर्वे चल रहा है, और लेखपाल और ये SDM DM एक्वायर कर रहे हैं, लैंड की कार्रवाई चल रही है। एक समस्या सड़कों की आ रही है, कुछ जगह सड़कें जर्जर हैं, कुछ सड़कों पर कुछ काम हो रहा है? देखिए, सड़कों पे कुछ काम हो रहा है, कोरोना काल आने से सारे बजट जो है कोरोना के तरफ डाइवर्ट हो गए थे जी। तो अब पूर्वांचल निधि वगैरह में जो सड़कों का विकास होना है वह तेजी से विकास का काम चालू हुआ है भाई साहब जी। अब बिजली की क्या है पोजीशन आपकी? बिजली की पोजीशन है कि भाई 24 घंटे में 18 घंटा 22 घंटा बिजली पूरे हमारे क्षेत्र में रह रही है, सरकार की नीतियों के अनुसार बिजली के क्षेत्र में कोई कमी नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका विधानसभा कैसा है? चिकित्सा के क्षेत्र में विधानसभा में अच्छा है प्रगति, माननीय महाराज जी के सरकार में पहले से बहुत ही अच्छा है जी। तो क्या लग रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मैदान में उतारेगी तो क्या चुनाव लड़ेंगे, यही कहना है? बिल्कुल, मैं चुनाव दमखम से लड़ूंगा, और इस सीट को जीत करके अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की झोली में डालूंगा इसको। अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप कब से हैं? मैं भाई साहब बचपन से हूँ, मेरा भारतीय, मैं स्वयं सेवक हूँ RSS का जी, और मैं शुरू से लगा रहा हूँ और काम करते रहा हूँ, भले ही मुझे टिकट नहीं मिला लेकिन पार्टी के लिए मैं लगातार काम करता रहा हूँ। आगामी क्या रणनीति है आपकी? आगामी रणनीति है कि 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री फिर दोबारा बनाना है, और उसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं। पार्टी, मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे पार्टी फेफना विधानसभा को नेतृत्व करने का अधिकार मुझे देगी इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद अवलेश जी से हमारी बात हुई बलिया आजकल से। आप भी, आप खबरों के क्षेत्र में और भी सारी खबरें हैं, अब तक की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।